जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये एक तरह का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक तो जेफेट जिसे कि हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, और दूसरा होता है मॉसफेट जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेफेट पे। तो पिछले वीडियो में हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बेसिक वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे ये देखा था कि ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक होता है ड्रेन, दूसरा टर्मिनल होता है इसका सोर्स, और तीसरा टर्मिनल होता है इसका गेट। यहां पर ये ड्रेन के थ्रू करंट फ्लो करता है और इसे हम कहते हैं ड्रेन करंट। ये डिसाइडेड होता है, या फिर कहें मैथमेटिकली अगर कहें तो ये एक फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? इन दो टर्मिनल्स के बीच, ये गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका एक फंक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली कैसा होता है। तो यहां पर दो तरह के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। इस पर भी हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बात किया था कि दो तरह के ये हो सकते हैं। एक तो होता है एन चैनल और दूसरा होता है पी चैनल। जैसे कि अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो दो तरह का होता है ये, एनपीएन और पीएनपी। इसी तरह से जंक्शन फेट जो है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी दो तरह का होता है। रेफरेंस के तौर पे हम एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, चैनल एन टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है। यहां चैनल से मेरा मतलब यह है, थोड़ी देर में यह क्लियर हो जाएगा। यहां एन टाइप मटेरियल का एक वेफर लिया जाता है और इसमें पी टाइप मटेरियल को कुछ ऐसे इसमें मिलाया जाता है। सो ये जो पार्ट है ये पी टाइप बनता है और ये जो बीच का जो चैनल है ये एन टाइप मटेरियल का बना। हम बात कर रहे हैं एन चैनल जेफेट की। सो यहां पर ये बना हुआ होगा पी टाइप मटेरियल से और ये जो है ये बना हुआ होगा एन टाइप मटेरियल से। तो यहां पर करंट का फ्लो जो है वो इस रीजन में होता है। यहां पर देखे एक चैनल सा बना है और ये चैनल किस मटेरियल का है, किस टाइप का है, ये एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए इसे एन चैनल जेफेट कहा जाता है। वहीं पर अगर एन के जगह पी होता, पी के जगह अगर एन होता, तो इसे हम पी चैनल जेफेट कहते हैं। तो रेफरेंस के तौर पे हम कंसीडर करेंगे एन चैनल जेफेट को। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं ड्रेन का जो टर्मिनल है। सो ये हो गया ड्रेन टर्मिनल। फिर यहां से हम निकाल लेते हैं, चलिए सोर्स टर्मिनल जो है ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स है। सो ये सोर्स टर्मिनल और यहां से ये भी मेटालिक कॉन्टैक्ट है। सो यहां से हम निकाल लेते हैं गेट टर्मिनल को। और हाँ, यहां पर देखिए ये जो दूसरा जो पी साइड है ये भी आइडेंटिकल है, तो इसे भी इसके साथ मिलाना होगा पहले वाले के साथ। तो चलिए दूसरे पी टाइप स्लैब को पहले पी टाइप स्लैब के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। यहां देखिए पी और एन टाइप का मटेरियल है, तो ऑब्वियसली जैसे इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वैसे ही यहां पर बनेगा एक डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर बनेगा इस जगह पे। यहां पर पी और एन के बीच बनेगा डिप्लीशन रीजन, यहां और यहां बनेगा डिप्लीशन रीजन। चलिए उस डिप्लीशन रीजन को पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहां पर बना एक डिप्लीशन रीजन कुछ ऐसा। यह है इस तरफ का डिप्लीशन रीजन, इस तरफ का। उसी तरह से यहां पर भी एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। डिप्लीशन रीजन में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, सो इट इज डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। सो यहां बन गया डिप्लीशन रीजन। आगे बढ़ने से पहले इसका फंक्शनिंग कैसा है उसे जानने से पहले एक बार इसका जो सिंबल है वो सीख लेते हैं। यहां बड़ा आसान होगा इसका सिंबल को समझना।
अब तक का जो नॉलेज हमें मिला है उसके हिसाब से हम इसका सिंबल को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे अगर हम बात करते हैं बीजेटी की, सो बीजेटी हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा लाइन और यहाँ से निकाल लेते हैं एक टर्मिनल, यहाँ से दूसरा टर्मिनल, यहाँ से तीसरा टर्मिनल। ये इसे हम कहते हैं बेस बीजेटी के केस में, और इसे हम कहते हैं कलेक्टर, और एक टर्मिनल होता है एमिटर, और इसमें हम एक गोल घेरा लगा देते हैं। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँ। ऐसा एक गोल घेरा हम बना लेते हैं। देखिए बीजेटी दो तरह का होता है, एक तो पीएनपी दूसरा एनपीएन। हम सिंबल से कैसे पता करते हैं कि कौन पीएनपी है कौन एनपीएन है, वो हम पता करते हैं एक एरो से। ये जो एमिटर बेस का जो जंक्शन है, यहां पर जो लाइन एमिटर और बेस को मिला रहा है, इस लाइन में हम एक एरो ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये एनपीएन होता तो एरो हम पी से एन की तरफ ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में हम एरो पी से एन की तरफ ड्रॉ करते हैं। वही अगर पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता तो हम एरो यहां पर पी से एन की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो ये एरो डिसाइड करता है कि कौन पीएनपी है और कौन एनपीएन है। कुछ इसी तरह का लॉजिक हम यहां पर भी लगाएंगे, लेकिन यहां सिंबल जो है, अगर ये जेफेट हुआ तो सिंबल इसका थोड़ा बदल जाता है। सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहां हम एक थिक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक थिक सा लाइन, और यहां से हम ऐसे टर्मिनल निकाल लेते हैं और एक टर्मिनल ऐसे निकाल देते हैं, यहां से एक टर्मिनल निकलता है। ये इसका गेट होता है, ये इसका होता है ड्रेन, और ये इसका होता है सोर्स। एक गोल घेरा लगा दे, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, गोल घेरा हमने लगा दिया यहां पर, थोड़ा बेहतर ड्रॉ कर लो। ओके, सो एक गोल घेरा ऐसे हमने लगा दिया। अब यहां पर एरो जो है, एरो सोर्स में नहीं होता, यहां पर नहीं होता, गेट में होता है, ये याद रखे। जेफेट के केस में एरो जो है ये गेट में होगा। एरो ऐसा भी हो सकता है, एरो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वही डिसाइड करके देगा ये एन चैनल जेफेट है या फिर पी चैनल जेफेट है। आप कैसे याद रखेंगे एरो किस तरफ होगा, उसी तरह का लॉजिक है, पी से एन की तरफ एरो होगा। अब अगर ये एन चैनल जेफेट है, आप सिर्फ इसका आधा हिस्सा को कंसिडर करें याद रखने के लिए, सिंबल को याद रखने के लिए इस आधे हिस्से को कंसिडर करें, तो इस आधे हिस्से में अगर ये एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है, या माफ कीजिएगा एन चैनल जेफेट है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये है चैनल, आधा हिस्सा को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो ये है चैनल और यहां पर पी टाइप मटेरियल है, तो ऑब्वियसली अगर ये एन चैनल होता है, एन चैनल के केस में एरो जो है एरो पी से एन की तरफ होगा, और वहीं पर अगर पी चैनल होता तो एरो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता, एरो फिर इस डायरेक्शन में होता, कब, जब ये पी चैनल होता जेफेट। सो एरो हम इस डायरेक्शन में अभी लगा रहे हैं क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं एन चैनल जेफेट। सो ये तो हो गया इसका सिंबल, अब आगे चलिए देखते हैं इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। इसे काम करवाने के लिए जो है, जो ड्रेन करंट होगा वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो यहां पर दो पॉसिबल केसेस हैं। एक पॉसिबल केस जो है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स, ये अगर जीरो हुआ, और दूसरा पॉसिबल केस है VGS अगर ये नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। VGS को ग्रेटर देन जीरो नहीं बनाया जाता है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यहां इसका पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा, इसका ज्यादा क्यों नहीं बनाया जाता है। इसका पोटेंशियल भले ही कम बनाया जाता है दो नंबर वाला केस जो है, लेकिन ज्यादा नहीं बनाया जाता है सोर्स के रेस्पेक्ट में, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये जो दो केसेस है इनमें से सिर्फ इस वाले केस में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब VGS जीरो होगा तो इसका वर्किंग कैसा होगा। तो VGS को जीरो बनाना है, जीरो वोल्ट बनाना है, यहां पर मुझे वोल्ट लिख देना चाहिए था। सो जीरो वोल्ट अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इन दो लाइंस को जो है हम यहां पर ज्वाइन कर देंगे। सो यहां से हमने कर दिया इसे सिंपली ज्वाइन, तो ये दोनों जो है सेम पोटेंशियल में आ गया, गेट और सोर्स।
तो पहला जो केस है उसके लिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट का होगा, ऑब्वियसली अब 0 वोल्ट का होगा। हम क्या करते हैं, सोर्स को कर देते हैं ग्राउंड, सोर्स को हमने कर दिया ग्राउंड, तो ऑब्वियसली सोर्स जो है ये 0 वोल्ट में आ गया, गेट भी 0 वोल्ट में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट का है। अब हमें क्या करना होता है, इसके थ्रू करंट फ्लो करवाना होता है, डायरेक्शन इधर होगा करंट का, करंट फ्लो करवाना होता है। इसके लिए सोर्स और ड्रेन इन दोनों को हम जोड़ देंगे और बीच में लगाएंगे एक बैटरी। तो यहां से चलिए सोर्स को और ड्रेन को हम जोड़ देते हैं कुछ ऐसे, और यहां पर लगा देते हैं बैटरी। करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो ऑब्वियसली जो हायर पोटेंशियल में होगा वो ड्रेन होगा और लोअर पोटेंशियल में सोर्स होगा। तो बैटरी जो ज्वाइन करेंगे हम यहां पर कुछ ऐसे ज्वाइन करेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो सोर्स के साथ जुड़ा हुआ होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ होगा। कुछ ऐसे हम इसे जोड़ देंगे, ये है इसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इस वोल्टेज को VDD नाम दे देते हैं, VDD। और इस ड्रेन का और सोर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से सोर्स तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हम VDS कहते हैं। ऑब्वियसली इस केस में जो VDS है ये बराबर हो जाएगा VDD के। अब जैसे ही हम इसे ज्वाइन करते हैं तब होता क्या है, देखिए इसे ज्वाइन करने के साथ साथ यहां पर देखिए ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में आ गया। सिर्फ अगर इस जंक्शन के साथ इस जंक्शन को कंपेयर करें तो होगा क्या, पोटेंशियल एग्जांपल मान लेते हैं ये 4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो VDS जो होगा ये 4 वोल्ट का होगा। ऑब्वियसली सोर्स जो है ग्राउंडेड है तो ये जो है ये 0 वोल्ट में रहेगा, और एग्जांपल के तौर पे हमने माना था ये बैटरी जो है 4 वोल्ट का है, तो ये ड्रेन जो है इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट में आ जाएगा। आप यहां पर देखें क्या होगा, 4 वोल्ट इस जगह का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इस जगह का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इस बीच के रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, क्या 4 वोल्ट आते गए अचानक यहां 0 वोल्ट होगा, या फिर 0 वोल्ट है तो ऊपर चढ़ते गए 0 वोल्ट यहां पर अचानक से 4 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पोटेंशियल जो है ये धीरे धीरे कम होते होते यहां तक पहुंचेगा और 0 होगा। ये ध्यान रखें, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ कम होते जाएगा सोर्स की तरफ। मतलब हम इसे वर्चुअली कुछ पार्ट्स में तोड़ लेते हैं अभी। तो इसे हम कैसे तोड़ते हैं, यहां पर ये 3, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं। तो यहां पर ये 3 वोल्ट में रहेगा, ये 2 वोल्ट में रहेगा और ये 1 वोल्ट में रहेगा, ये वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा और यहां जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। मैं यहां से 2 वोल्ट को हटा देता हूं। अब आप देखें डिप्लीशन रीजन का क्या होगा, ध्यान से देखें, ये जो पी वाला स्लैब है ये ऑब्वियसली ये गेट है और ये ग्राउंडेड है, तो ये 0 वोल्ट में है, ये 0 वोल्ट में है। अब आप इस रीजन में देखें 0 वोल्ट 3 वोल्ट 0 3, लगभग 3 के आसपास 0 3, ये रिवर्स बायस में है क्योंकि पी जंक्शन जो है ये जुड़ा हुआ है लोअर पोटेंशियल के साथ, एन साइड जो है यह हायर पोटेंशियल में है, तो रिवर्स बायस में हो गया ये वाला जंक्शन। कैसा रिवर्स बायस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें पी और एन का तो 3 वोल्ट का है, उसी तरह से अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो 1 वोल्ट का है, मतलब यहां रिवर्स बायसिंग ज्यादा है, यहां पर रिवर्स बायसिंग कम है। ऑब्वियसली हमें पता है रिवर्स बायस होने से क्या होता है, डिप्लीशन रीजन जो है ये चौड़ा हो जाता है, तो यहां डिप्लीशन रीजन चौड़ा होगा, लेकिन ध्यान दें जो ऊपर की तरफ है डिप्लीशन रीजन चौड़ा होगा ज्यादा, नीचे की तरफ डिप्लीशन रीजन कम चौड़ा होगा। सो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, डिप्लीशन रीजन ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ा होगा और नीचे की तरफ जो है ये कम चौड़ा होगा, ये ऊपर की तरफ इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। सो ये कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। करंट का क्या होगा, देखिए
जैसे ही हम वीडीडी यहां पर अप्लाई करेंगे वैसे ही ये करंट को ड्रॉ करेगा, करंट सेंड करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसे हम आईडी कहते हैं, ड्रेन करंट। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा, ऐसे यहां थ्रू पार होगा और ऐसे यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, साइमल्टेनियसली पॉजिटिव टर्मिनल में जाके समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहां मैं फिर से इसे हटा देता हूं, इन सारी चीजों को यहां से पीछे रहने देता हूं। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस डायरेक्शन में हुआ, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ, आईडी फ्लो करने लगा, मतलब आईडी क्रिएट हो गया, करंट क्रिएट हो गया, ड्रेन करंट। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ये एक वेरिएबल सोर्स है, बैटरी जो है वेरिएबल है, इसका पोटेंशियल हम बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसका पोटेंशियल को बढ़ाया, पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते हमने कर दिया इसे 8 वोल्ट का। सो ये बढ़ गया, काफी बढ़ गया, हमने डबल कर दिया इसे, 8 वोल्ट का हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो है ड्रेन वाला जो टर्मिनल है ये 8 वोल्ट में चला जाएगा, 8 वोल्ट। उसी तरह से चार हिस्सों में अगर हम तोड़ते हैं तो हम ये पाएंगे अब ये 3 वोल्ट ना होके ये बढ़ के 6 वोल्ट में चला जाएगा, हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। उसी तरह से ये 0.4 वोल्ट में रहेगा, ये 2 वोल्ट में रहेगा, ये 0 वोल्ट में रहेगा। अब इससे क्या होगा, देखिए अब रिवर्स बायस पोटेंशियल जो है ये और बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब क्या होगा, अब ये जो इसका थिकनेस है ये डिप्लीशन रीजन का, ये थिकनेस जो है ये और बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये और बढ़ गया। आप वीडीडी बढ़ाते जाए या वीडीएस को बढ़ाते जाए तो यहां डिप्लीशन रीजन बढ़ते जाएगा, चैनल जो है चैनल पतला होते जाएगा, चैनल पतला होते गया। अब यहां पर आप मजेदार बात देखें, शुरू शुरू में तो वीडीडी बढ़ाते साथ करंट उस रेट से बढ़ता है, जितना वीडीडी बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, क्योंकि यही तो करंट क्रिएट कर रहा है यही बैटरी, इसे बढ़ाते साथ करंट बढ़ रहा है। लेकिन देखिए धीरे धीरे जो है ये चैनल पतला होते जा रहा है। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि दो अगर सेम मटेरियल से बना हुआ कंडक्टर्स है, ऐसे सेम मटेरियल से, दोनों का लेंथ सेम है लेकिन दोनों का थिकनेस जो है ये अलग अलग है, ये एक दोनों का जो लेंथ है वो सेम है लेकिन थिकनेस अलग अलग है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सेम मटेरियल से अगर बना हुआ है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है ये कम होगा। वही वाला लॉजिक आप यहां पर लगाएं, जैसे ही चैनल नैरो होते जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। सो जैसे ही हम वीडीडी को इंक्रीज करते हैं ये कोशिश करता है कि करंट जो है आईडी जो है ये इंक्रीज करे, लेकिन इसका एक आउटकम ये भी निकलता है कि ये जो चैनल है, चैनल का जो थिकनेस है, मैं इसे सिंबलाइज कर देता हूं, चैनल का जो थिकनेस है ये थिकनेस जो है ये थिकनेस घटते जाता है। सो थिकनेस घटते जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है और ये आईडी को रेजिस्ट करता है, आईडी को ये घटाने का कोशिश करता है। सो वीडीडी बढ़ते साथ डायरेक्ट रिजल्ट है आईडी बढ़ेगा, लेकिन ये इसे नैरो बनाता है चैनल को, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसका टेंडेंसी होता है करंट को घटाने का। मतलब एक ऐसा समय आएगा जबकि ये जो करंट है ये करंट सैचुरेटेड हो जाएगा। एक तरफ से तो वीडीडी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट को ड्रॉ करेगा, दूसरे तरफ से चैनल नैरो होने के कारण करंट बढ़ नहीं पाएगा, वो घटाने का कोशिश करेगा, मतलब एक सैचुरेशन आना ही है। तो धीरे धीरे ऐसा करते जाए एक समय सैचुरेशन आता है। सैचुरेशन जब आता है उस समय ये जो डिप्लीशन रीजन है ये कुछ ऐसा बनता है कि ये जो चैनल है ये चैनल बहुत 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 नैरो हो जाता है, बहुत नैरो, बहुत ही पतला हो जाता है। जिस वोल्टेज में ऐसा होता है इसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। पिंच इसका मतलब होता है चुटकी, जैसे कि एक चुटकी नमक, जैसे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाला चुटकी। जब दो उंगलियों से किसी चीज को दबाया जाता है तो उसे हम पिंच कहते हैं।
तो यहां पर देखिए वैसा ही कुछ सिचुएशन है, दो उंगलियों से दबाने जैसा सिचुएशन है। तो इसीलिए इस वाले वोल्टेज को कहा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। ये जब चैनल बहुत बहुत नैरो हो जाता है, बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है, अब जो है आप इसे बढ़ाते जाए वीडीडी को, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब क्या करंट जो है ये सैचुरेटेड हो चुका है। सो करंट में जब और कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप वीडीडी या वीडीएस जो भी कहें, इसे आप जितना भी बढ़ा दें, तो उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। उस समय चैनल जो है ये बहुत नैरो हो जाता है। सो अब यहां से आगे हम इसका जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। सो यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस हमें इंडिकेट कर रहा है VDS। VDS को हम बढ़ाते जाएंगे, देखेंगे करंट क्या होगा, और ये जो है ये ID करंट, जो ड्रेन करंट है, उसे इंडिकेट कर रहा है। तो शुरू शुरू में जीरो वोल्ट जब था VDS, तो कोई करंट फ्लो नहीं किया। धीरे धीरे VDS को बढ़ाते गया, करंट बढ़ते गया। एक समय आएगा जब कि करंट और नहीं बढ़ेगा, और इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद जो है करंट सैचुरेटेड हो जाता है, करंट और बढ़ता नहीं है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर कांस्टेंट करंट की हमें जरूरत है कहीं पर, तो हम यहां पर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ये वाला वोल्टेज इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। सो इसे हम चलिए वी सबस्क्रिप्ट पी से डिनोट कर देते हैं। ये है पिंच ऑफ वोल्टेज। और ये जो करंट है, ये वाला करंट जो है, ये सैचुरेटेड करंट है, IS, ये जो मैक्सिमम करंट है, ये IS, यहां पर करंट जाके सैचुरेटेड हो जाएगा। शुरू शुरू में धीरे धीरे ये बढ़ेगा, फिर ये सैचुरेटेड हो जाएगा यहां पर। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप VDD या फिर कहें VDS, इसे अगर आप बढ़ाते गए, तो क्या करंट हमेशा कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा? खुद सोचे, वीडियो को पॉज करें, कुछ देर सोचे। सोच लिया आपने? देखिए क्या होगा, जब आप VDD को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, आप इस जंक्शन में देखें, इस PN जंक्शन में, इस PN जंक्शन का रिवर्स बायस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी तरह का PN जंक्शन हो, किसी भी मटेरियल से बना हो, उसका एक मैक्सिमम लिमिट है रिवर्स बायस वोल्टेज का। उसके बाद वो जो है उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन पे हमने पढ़ा था, हमने 12th के क्लासेस में देखा था ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकडाउन होता है यहां पर, और ह्यूज करंट फ्लो करने लगता है, बहुत ज्यादा करंट का डायरेक्शन इधर होगा। सो ह्यूज करंट फ्लो करने लगता है, आप कह सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे फ्लो करने लगते हैं, बहुत ज्यादा एवलांच इफेक्ट होता है वहां पर। मतलब एक ऐसा समय आएगा जबकि यहां से वोल्टेज जो है, माफ कीजिएगा, जो करंट है, ये ह्यूज अमाउंट में बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। और ये जो वोल्टेज होगा, ऑब्वियसली ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। यहां पर वी ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ब्रेकडाउन। सो ये तो था कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। हमने एक केस पे बात किया जो कि है जब VGS 0 वोल्ट का होगा। अब आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि जब VGS को 0 वोल्ट से नीचे किया जाता है, मतलब कि G को लोअर पोटेंशियल में और S को, सोर्स को, हायर पोटेंशियल में रखा जाता है, उस केस में सिचुएशन कैसा बनेगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाए। अब जाते जाते मैं थैंक्स कहना चाहता हूं नेसो एकेडमी को। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नेसो एकेडमी नहीं होता तो शायद ही एडुपॉइंट पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के वीडियोस बन पाते। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप भी उनके चैनल को विजिट कीजिए,
उनके वीडियोस को देखिए, वे बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, प्योर कोर कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको वहां पर। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे EduPoint पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के जितने भी वीडियोस बनेंगे उनका जो प्लेलिस्ट होगा उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां क्लिक करके आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।